गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था माइको स्पोरेंजियम, पिस्टिल के बारे में जनरल डिस्कशन किया था। अभी देखिए, ये जो मेगा स्पोरेंजियम है, इसका एक स्ट्रक्चर है, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ। देखिए, ये देखिए एक जनरल स्ट्रक्चर है मेगा स्पोरेंजियम का, ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ द चलाजा, सेकेंड वन इज़ द फ्यूनिकल, सेकेंड वन इज़ द वेट। सी, फर्स्ट वन इज़ द चलाजा, सेकेंड वन इज़ द फ्यूनिकल्स और थर्ड वन इज़ द माइक्रोफिल। तो माइक्रोफाइल कहाँ पे होता है? जो ओपनिंग होती है, ठीक है ना, ओव्यूल की जो ओपनिंग है, वो वाले पार्ट, ओपनिंग वाला जो पार्ट होता है, वो होता है माइक्रोफाइल। ज़रूरी नहीं है कि वो इस साइड हो, ठीक है ना, ये जो डाउनवर्ड्स है, हो सकता है कि किसी किसी ओव्यूल में ये जस्ट अपोजिट साइड हो, मतलब कि ये जो ओपनिंग है ये यहाँ पर भी हो सकती है। अगर ये ओपनिंग यहाँ होगी तो इसके अपोजिट में क्या प्रेजेंट होता है? चलाजा प्रेजेंट होता है। तो अगर माइक्रोफाइल अपर साइड पर प्रेजेंट है तो चलाजा कहाँ प्रेजेंट होगा? लोअर साइड पर। क्यों? क्योंकि चलाजा ऑलवेज प्रेजेंट एट द लोअर, मतलब कि अपोजिट साइड ऑफ द माइक्रोफाइल। और ये फ्यूनिकल्स कहाँ होते हैं? जस्ट अटैच टू द स्टॉक। ये यहाँ से स्टिग्मा, स्टाक वाला जो पार्ट होता है, यहाँ से जो स्टार्ट, ये ओपनिंग के पास में जो होता है वो होता है फ्यूनिकल्स। यहाँ से ये जो एक ये पतली सी सी ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं राफे, ठीक है ना। फ्यूनिकल के जस्ट साइड से जो ये पोर्शन गया होता है, ये वाली जो लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं राफे, ठीक है। ये बिल्कुल इससे अटैच होती है, इट कैन बी एलोंगेटेड, मतलब कि ये एलोंगेटेड भी हो सकती है। अब देखिए, इसकी ये जो एम्ब्रो, ये जो ओव्यूल है, इसके ऊपर ओव्यूल क्या है, बाद में कन्वर्ट काय में हो जाता है। देखो, ओव्यूल इज ऑलवेज कन्वर्टेड इन टू द सीड्स, है ना। और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? सॉरी, हाँ, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। और ओव्यूल किस में? सीड में कन्वर्ट होता है। तो देखिए, ओव्यूल के बाहर क्या होता है, सीड के बाहर क्या होता है? सीड कोट होता है। वो किससे बना होता है? इंटेग्यूमेंट से बना होता है। देखो, ये है इंटेग्यूमेंट्स, ये दो लेयर है इंटेग्यूमेंट्स की, ये फर्स्ट लेयर है और ये इनर लेयर है ना, आउटर लेयर एंड द इनर लेयर। ये लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। सबसे सेंटर वाले पार्ट में क्या होता है? एम्ब्रोयस एग होता है। ये हमको आज के लेक्चर में थोड़ा अच्छे से डिस्कस करना है। आप देखिए, यहाँ पर जो ये जो दिख रहा है, ये जो पोर्शन है, इसके सेंटर में न्यूसिलस के, सी इंटेग्यूमेंट्स के अंदर वाले पार्ट में क्या है? न्यूसिलस प्रेजेंट है। सी, दिस इज द न्यूसिलस, ठीक है। अब न्यूसिलस के अंदर क्या, न्यूसिलस किसके अंदर है? यहाँ पर क्या है, कौन से सेल्स हैं? पेरेंचाइमा है, ठीक है। ये पेरेंचाइमा यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर पेरेंचाइमा प्रेजेंट है तो क्या है कि इट इज़ ऑलवेज ग्रीन इन कलर, जिससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है। इसलिए इसमें बहुत सारा फूड मटेरियल्स जो है वो रिजर्व रहता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर जो है पेरेंचाइमा सेल्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, जो कि क्लोरोफिल की प्रोसेस करने में हेल्पफुल है। जिसकी वजह से न्यूसिलस में क्या प्रेजेंट होता है? फूड मटेरियल्स प्रिजर्व करके रखता है, जो कि एम्ब्रोयस एग के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये जो एम्ब्रोयस एग है, इसके लिए हेल्पफुल होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ एम्ब्रोयस एग, ठीक है ना। और ये देखिए, ये जो ट्यूब होती है, ये पॉलन ट्यूब जो, ये जो पोर्शन है, ये ऑलवेज ओपन रहता है। माइक्रोफाइल वाला एरिया जो है, ये ओपन रहता है, ओपनिंग है। और ये इसलिए ओपन रहता है क्योंकि देखो, जब भी पॉलन सैक अटैच होगा, ठीक है ना, पॉलन सैक अटैच होगा तो ये वाले पार्ट से अंदर एंटर करेगा। जब अंदर एंटर करेगा तभी तो फर्दर डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होगी, राइट। सी, वेट, अब ये, अब जो लेक्चर कंटिन्यू करेंगे अभी अपन, उसमें ये एम्ब्रॉय सैक के बारे में जो है, ये जो सेल्स किस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं, किस तरीके से ये फॉर्मेशन हो रही है, न्यूक्लियस की सेकेंडरी, न्यूक्लियस, एग, ये सब हमको देखना है, ठीक है। सी, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल।
इसको हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ओव्यूल्स जनरली कैसे होते हैं, डिफरेंशिएटेड सिंगल मेगा स्पोर्स मदर सेल्स इन द माइक्रोफिलर रीजन। मतलब कि ओव्यूल्स कैसे होते हैं, सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में डिफरेंशिएटेड होते हैं जनरली। ये डायग्राम से हमको समझना है। फर्स्ट सी ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अब क्या होता है ये देखिए, किस तरीके से डिवीजन हो रहा है। ये है मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये क्या है, माइक्रोपिलर एंड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सी सबसे पहले क्या होता है कि ये जो मेगा स्पोर डायड है, ये इसमें क्या होगा, मियोसिस के प्रोसेस से क्या होगा, डिवीजन होगा। ये सेल क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। जब ये मियोसिस की प्रोसेस से डिवाइड होंगे, अभी ये क्या है, राइट नाउ ये सिंगल सेल है। जब मियोसिस की प्रोसेस से यहाँ पर डिवीजन होगा तो ये फोर सेल्स में कन्वर्ट होगा, सी 1, 2, 3 एंड 4। तो ये क्या बन गया, मेगा स्पोर टेट्राड बन गया। टेट्राड क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पर फोर सेल्स में डिवीजन हो गया। दीज आर द फोर सेल्स, सी ये फोर सेल्स में डिवाइड हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, टेट्राड हो गया। तो सबसे पहले क्या था, एक मदर सेल था सी, सबसे पहले क्या था, ये एक सिंगल मदर सेल है, ठीक है, ये किस में डिवाइड हो गया, मियोसिस डिवीजन से कहाँ पे डिवाइड हो गया, ये फोर सेल्स में डिवाइड हो गया, ये टेट्राड बन गया, मेगा स्पोर टेट्राड। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये देखिए, अब यहाँ से ये जो तीन सेल्स हैं, सबसे पहले देखिए अपर सेल को छोड़ दीजिए, बाकी के ये जो तीन एन हैं, ये क्या है, डिवीजन हो रहा है, मतलब कि एन 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 एन, ये क्या बन गए, फोर एन बन गए हैं। दीज आर द फोर एन, इसमें से ये जो लास्ट थ्री एन है, ये कैसे हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है ना, इनका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, डिकेड हो जाते हैं। जो फर्स्ट वाला सेल है, जो फर्स्ट वाला हैप्लॉयड बचा, ये सारे क्या हो गए, हैप्लॉयड हो गए। पहले यहाँ पर कैसे थे, ये डिप्लॉयड थे, मतलब कि टू एन थे, यहाँ पर आके कैसे हो गए, हैप्लॉयड हो गए, तो सिंगल एन हो गए। तो ये जो हैप्लॉयड सेल है, इसमें फर्दर क्या होगा, डिवीजन होगा, ये फर्दर किस में डिवाइड होगा, मियोसिस में डिवाइड होगा, सॉरी मिटोसिस डिवीजन होगा यहाँ पर। अब सबसे पहले मिटोसिस वन होगा, ये किसके अंदर होगा, एम्ब्रोय सेक के अंदर ये प्रोसेस चल रही है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा डिवीजन होगा, मिटोसिस, मिटोसिस वन डिवीजन होगा, तो क्या होगा, सिंगल एन किस में कन्वर्ट हो गया, टू एन में कन्वर्ट हो गया, ये दो एन बन गए, ठीक है। अब इसके बाद इसमें फर्दर डिवीजन होगा, किस में होगा, मिटोसिस सेकेंड, ये फर्स्ट वाला था, अब यहाँ पर ये जो हो रहा है ये सेकेंड डिवीजन हो रहा है, ये फर्स्ट, ये मिटोसिस वन था, ये वाला जो है ये मिटोसिस टू है, ये सिंगल एन किस में कन्वर्ट हो गया, डबल एन में, और ये सिंगल एन किस में हो गया, डबल एन में, ठीक है ना, डिवीजन हुआ इसलिए। अब यहाँ से ये वाले फर्स्ट, ये फर्स्ट हुआ मिटोसिस, ये सेकेंड हुआ, अब यहाँ पे थर्ड मिटोसिस थ्री, इसमें क्या हो रहा है, ये दो एन है, ये किस में कन्वर्ट हो गए, टू एन इंटू एन कितने हो गए, फोर एन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ये थर्ड वाले डिवीजन में ये चार सेल्स बन गए अलग अलग, डिफरेंशिएट हो गए। और ये कहाँ पर है, देखो ये कौन सा वाला पोर्शन है, चलाजा वाला पोर्शन है, और ये माइक्रोफिल वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला चलाजा वाला है, नीचे वाला माइक्रोफिल वाला पोर्शन है। अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, सी ये है चार सेल्स में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये चार सेल्स जो हैं, इसमें से फर्दर क्या हुआ, अब जो डिवीजन हो रहा है फर्दर, उसमें क्या हो रहा है, ये एम्ब्रॉय सेक के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट हो रहे हैं, ये तीन जो है माइक्रोफिलर एन के पास आ गए, तीन एंटीपोलार्स के पास आ गए, एंटीपोलार्स और ये माइक्रोफिलर एन के पास आ गए, ठीक है। ये क्या है, ये जो तीन है इनको हम बोलते हैं सिनर्जिट्स, ये हैं माइक्रोपोलार्स, ठीक है। अब बाकी के दो बचे, ये तीन चले गए ऊपर, ये तीन चले गए नीचे, तो ये दो जो बचे हैं ये सेंटर में आ गए, सेंटर सेल हो गई है, ठीक है, सेंटर सेल हो गए। कैसे होंगे, ये टू पोलर न्यूक्लियाई के सेल होंगे, और एग कहाँ पे है, एग ये वाली पोर्शन पे है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, चलाजा वाले एंड पर एंटीपोलार्स ये तीन हैं, ठीक है, और नेक्स्ट माइक्रोफिलर एंड पे क्या है, ये देखिए
ये चलाजा वाले एंड पे ये तीन एंटीपोलार्स हैं, माइक्रोफिलर एंड पे क्या है, ये सिनर्जेट्स हैं, है ना, और ये क्या है, फिलिफॉर्म एपरेटस है। अब पोलर न्यूक्लियाई सेंटर वाले सेल पे कितने हैं, दो हैं, है ना, सेंटर सेल पे कितने आ गए, दो आ गए। एग की फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है, ये वाले पोर्शन में हो रही है, गॉट इट। देखो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैच्योर एम्ब्रॉयड एग का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि ये जो एग की फॉर्मेशन हो रही है ये मैच्योर एम्ब्रॉयड एग का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ से, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, बी वाले डायग्राम में जो अभी देखा यहाँ पर डिवीजन हो रहा था मिटोसिस वन, मिटोसिस टू, मिटोसिस थ्री, है ना, ये क्या था, वन टू फोर एंड एट न्यूक्लिएटेड स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रॉयड सैक एंड मैच्योर एम्ब्रॉयड सैक, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस थी, है ना। यहाँ पर क्या था, देखिए जस्ट वेट, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एक फीमेल गैमेटोफाइट से होता है ना, उसमें सेवन सेल होते हैं और एट न्यूक्लिएटेड होते हैं एट मैच्योरिटी, जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है। ये जो अभी हमने देखा ये उसी का एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पॉलिनेशन, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।